साथियों, खतौली के अंदर जो मामला हुआ, भाई चंद्रशेखर रावण और उनके काफिले के साथ जो गाड़ियां चल रही थी उनके ऊपर पथराव किया गया, ये बात आप सभी को पता है। और उसके बाद उस गांव से बहुजन समाज के लोगों का पलायन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस विषय पर मैं आपके साथ बात करूँगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। दोस्तों, इस देश के अंदर चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो, बहुजन समाज के साथ में प्रताड़ित मामले सामने आते हैं हर रोज़। आप लोग इस चीज़ से वाकिफ हो, कभी मंदिर के नाम पर, कभी फीस के नाम पर, तो कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी लड़कों को, तो कभी बच्चों को निशाना बनाया जाता है। क्योंकि ये बहुजन समाज को मनवादी लोग जो होते हैं ये उठते हुए नहीं देख सकते, तो इसके खिलाफ हमको मुहिम छेड़नी है, इनके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, खतौली के अंदर रूपखेड़ी के अंदर जब भाई चंद्रशेखर रावण का काफिला जा रहा था, तो उनके काफिले के ऊपर इस कदर पथराव किया गया कि उनके ऊपर जानलेवा तक हमला हुआ। इसको जानलेवा हमला ही कह सकते हैं, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर अगर चंद्रशेखर भाई होते तो उनकी जान पर भी बन सकती थी, और जितने भी कार्यकर्ता थे उनके ऊपर भी जान पर बन सकती थी। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि इतनी बड़ी पुलिस सुरक्षा के कारण भी वहाँ पर पथराव हुआ, तो इसमें साफ दिखता है कि मिली जुली भगत है। और इतने बड़े काफिले के ऊपर पथराव होना ये छोटी मोटी घटना नहीं है। यहाँ पे साफ दिखता है कि मनवादी लोग भाई चंद्रशेखर रावण को आगे बढ़ते हुए जीतते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि इन मनवादी लोगों की मंशा साफ साफ दिखती है कि भाई चंद्रशेखर रावण को ये हटाने की फिराक में है कि ये आदमी आगे ना बढ़े, क्योंकि बहुजन समाज को जागरूक करता है। आप लोग सभी चीज़ से वाकिफ हैं कि खतौली के अंदर क्या क्या घटनाएँ हो रखी हैं अब तक। वहाँ पर ठाकुर लोगों का दबदबा इस कदर हावी है कि वहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग रहते हैं, एसटीएससी समाज के लोग रहते हैं, उनको दबा कर रखा जाता है। वहाँ पर कुछ बहुजन समाज के जो मीडियाकर्मी हैं, उन लोगों से बात की, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं बासिंदे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई साहब, यहाँ पर ठाकुर लोगों का इतना दबदबा है कि हम लोगों को दबा कर रखते हैं, हमें अम्बेडकर जयंती के ऊपर कोसते हैं, विरोध करते हैं, वाल्मीकि जयंती के ऊपर विरोध करते हैं, श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती पर विरोध करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठाकुर लोग बहुजन समाज को नीचे दबा कुचला ही समझते हैं आज भी। लेकिन आज हम सबको उठने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं सभी बहुजन साथियों से आग्रह करता हूं और हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इन मनवादी लोगों के खिलाफ खड़े होइए। और सत्ता में अब बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, इन दो पार्टियों को मजबूत कीजिए अगर अपना उत्थान चाहते हो। क्योंकि हमारे कुछ लोग बिखरे हुए हैं, खाते किसी का है, गाते किसी का है, इसलिए मैं यही कहता हूँ कि बिखरिए मत, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने समाज की जो संगठन है उनको मजबूत कीजिए। क्योंकि हमारे काम सिर्फ हमारे समाज के संगठन आ सकते हैं। ये मनोवादी व्यवस्था में सिर्फ बहन बेटियों के साथ में क्या दुराचार होता है, बाल पकड़ कर घसीट कर बाहर फेंका जाता है, तो कभी लाठी डंडों से, लकड़ियों से, जली हुई लकड़ियों से उत्तराखंड के अंदर लड़कों को जलाया जाता है मंदिर में प्रवेश करने के ऊपर। लेकिन अब भाई मनजीत सिंह नोटियाल ने खुलेआम चैलेंज कर दिया कि बहुजन समाज के साथ अगर प्रताड़ित मामले देखे जाते हैं, मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम हम कर देंगे, इससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुजन समाज आज जागरूक हो चुका है, हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर हम जागरूक ना होंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो मानसिक गुलामी तो पैदा होगी, लेकिन कभी भी सर उठाकर नहीं चल सकेगी। वही समय दोबारा आ जाएगा कि जब गले में हांडी होगी, पिछवाड़े में झाड़ूबंदी होगी, आपको थूकने तक का मौका नहीं मिलेगा, आपको कहीं से पानी पीने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस समय को वापस मत आने दो, आगे बढ़ो। हमारे बाबा साहेब की मूर्तियों को ये मनवादी लोग रात में खंडित करते हैं, तो इनसे इन लोगों की मनसा पता चलती है कि बहुजन समाज के लोगों को और बहुजन समाज के महापुरुषों को ये मूर्ति के रूप में भी देखना नहीं चाहते। सोचो कितना महान रहा होगा वो इंसान जिसके पुतले तक तोड़े जाते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष रहे हैं हमारे समाज के लिए, जिन्होंने हमारे थान के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, पैदा होने से लेकर जवान होने तक, जवान होने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी करने तक उनके साथ तिरस्कार हुआ। आप लोग इससे वाकिफ होंगे अच्छी तरह। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एकजुट रहिए। मैं उस एक वीडियो में मैंने देखा था कि खतौली के अंदर जो मामला हुआ है गाड़ी तोड़ने पर, भाई चंद्रशेखर रावण के काफिले में जो गाड़ी गई थी उनके शीशे तोड़े गए, और बाद में देखा गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो पलायन करते हुए नजर आए, वो सब लोग अपना बैग बिस्तर बांध कर वहाँ से निकल रहे थे।
तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जहाँ पर बहुजन समाज की जो ताकत है भीम आर्मी, उसके ऊपर जमा जानलेवा हमला हो सकता है, उनकी गाड़ियों तक तोड़ा जा सकता है। तो जब वहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं, SC समाज के लोग रहते हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा सोचिए। आज ये मनुवादी लोग बहुजन समाज को उठते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये मनुवादी लोग वही हैं जो रात को बहुजन समाज की बेटियों, SC समाज की बेटियों को रात को 2:30 बजे जलवा देते हैं। हमारी बहन बेटों के साथ में झेड़खानी होती है। मथुरा के अंदर का केस आपको पता होगा कि उस लड़की के साथ में झेड़खानी हुई थी। गुर्जर समाज का वो लड़का था, उसने लड़की के साथ में बदतमीजी की, और अगर उसने उसका विरोध किया तो उस लड़की के परिवार को मारने तक की धमकी दी, और उस लड़की को भी कहा कि हम तुझे भी मार देंगे। तो यहाँ से देखिए किस कदर मनुवाद हावी है और बहुजन समाज को दबाना चाहता है। लेकिन आज हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज की पार्टियाँ खड़ी हो सकती हैं जो बहुजन समाज का अच्छा सोचती हैं, वरना मनुवादी सोच तो आज हमको आज भी गिरा हुआ ही समझती है। तो सभी साथियों से आग्रह है कि एकजुट रहिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलिए, अपने हक के लिए लड़िए, दबिए मत। अगर क्योंकि खतौली के अंदर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष का के रूप में काम करते हैं, छोटे पद पर हैं, उन लोगों ने खुद भीम आर्मी के साथ बैठकर बात की, वहाँ के जो CEO हैं उनके साथ बैठकर बात की कि अगर आप बहुजन समाज के लोगों जो वहाँ से आप प्लान कर रहे थे उन लोगों से कहा अगर आप या आज दबोगे टिन ठाकुर लोगों से तो हमेशा दबे रहोगे। इसलिए दबिए मत, डटिए, डटकर लड़िए। भीम आर्मी आपके साथ है, कहीं पर भी कोई प्रताड़ना होते भीम आर्मी को संपर्क कीजिए, आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, इस मुहिम को हमको आगे ले जाना है, बहुजन समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम डर गए तो समझो मर गए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बस ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था कि बहुजन समाज जागरूक हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की मैं भी कोशिश नहीं करता। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा समाज जागरूक हो सके, और जागरूक हो, और धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाइए और खुद भी पढ़िए, अपने समाज के बारे में जानकारी रखिए, संविधान के बारे में जानकारी रखिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी, टेक केयर।